इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। सहरसा जिले के शोरबाजार थाना क्षेत्र में इन दिनों महिला उत्पीड़न की समस्या बढ़ती जा रही है। ताजा मामला है शोरबाजार थाना क्षेत्र के सहुरिया पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 16 का, जहां शराबी पति कुमार गौतम अपनी पत्नी रूपम कुमारी को मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर देता है, जिससे रूपम कुमारी को अस्पताल का शरण लेना पड़ा। मारपीट की घटना को लेकर रूपम कुमारी ने बताया कि मेरा पति चोरी भी करता है, इसे समझाने पर शराब पीकर हमेशा मारपीट करता है, इससे पहले भी कई बार मेरे साथ मारपीट किया है। पीड़ित रूपम कुमारी ने बताया कि 7 साल पूर्व सहुरिया पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 16 निवासी हीरा प्रसाद यादव के पुत्र कुमार गौतम के साथ धूमधाम से शादी हुई, जिसमें अब तक 3 बच्चे भी पैदा हुए। पीड़ित महिला रूपम कुमारी ने बताया कि मेरा मायका खगड़िया जिला के अलोली थाना क्षेत्र के बतनाहा गांव में है, जिसे घटना की जानकारी दे दी गई है। पिता के पहुंचने के बाद शोरबाजार थाना में आवेदन देने की बात कही है, साथ ही बताया कि मेरे साथ में 2 छोटी-छोटी बच्ची भी है, अब इसको इस हालत में कहां लेकर जाऊं, सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। क्या बात है, कहां पर आए हैं, हॉस्पिटल किस लिए आए हैं? मारपीट किया है, इसलिए इलाज करवाने आए। के मारपीट किया है? हस्बैंड किया है। कहाँ है आपका ससुराल? सहुरियापुर। क्या नाम है हस्बैंड का? कुमार गौतम। मारपीट किया है? जी हाँ। काहे मारपीट किया है? ऐसे दारू गंजा पी के आते हैं। अच्छा, मारने के लिए भी जाते हैं। इससे पहले भी मारपीट किया था? जी हाँ। आपका क्या नाम है? रूपम देवी। अब आपका मायके कहाँ है? बथनाहा। कौन सा थाना पड़ता है वो? अलौली। इससे पहले भी मारपीट हुआ था? जी हाँ, 4-5 दिन पहले भी मारे। इसकी सूचना आप अपने माँ बाप को दिए हैं? जी हाँ, माँ बाप आए थे, समझा बुझा के फिर गए, फिर ऐसे हुआ, फिर मारपीट किया। जी, इसको लेकर के थाना में आवेदन भी दीजिएगा। जी हाँ। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।